Dear students, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So today I am going to start a new chapter, that is surface chemistry at J option. Okay. So today's session is important for the BSc students as well as class 12 students. Okay. So let us start today's session, a new chapter, surface chemistry, that is at J option. Okay. So चलिए आज का session start करते हैं. So first term में हमें सरफेस केमिस्ट्री और इंटरफेस केमिस्ट्री. सो द फिनोमेनाज व्हिच ऑकर्स एट द इंटरफेस ऑफ कॉन्टेक्टिंग फेजेस. सो इंटरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद ऑल दोज फिनोमेनाज व्हिच ऑकर्स एट द इंटरफेसेस ऑफ कॉन्टेक्टिंग फेजेस या टू इमिसिबल फेजेस. ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई हम दो फेज लेते हैं जो आपस में मिक्स नहीं है, मिसबुल नहीं है. ठीक है, सो सपोज आपने एक फेज यहाँ पे कुछ भी लिया, जैसे सपोज एक सॉलिड यहाँ लिया है और दूसरा सॉलिड यहाँ लिया, ठीक है, या मे बी लिक्विड और गैस. इन दोनों को हम क्लोज लाए, कॉन्टेक्ट में लाए, तो एक इंटरफेस, एक कॉमन फेस होगा जो दोनों के लिए सेम होगा, जैसे ये. ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम क्लोज लाए, दोनों को पास लाए, तो एक ऐसा फेज होगा ना जहां में दोनों के लिए वो कॉमन होगा. सो सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरफेस. इसमें यहाँ पे जो फिनोमिना होगा, इस इंटरफेस पे जो फिनोमिना होती है, उसी को बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री. तो मेनली इसमें तीन आता है, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलाइडल. बट फिलहाल हमें इस पार्ट में सिर्फ पहले एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, देन फिर कोलाइडल पढ़ेंगे. ठीक है, सो इंटरफेस मतलब कि दो फेज के बीच में, दो इमिसिबल फेजेस को अगर हम कॉन्टेक्ट में लाए तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जहां में दोनों एक दूसरे को टच करेगा, उसी को बोलते हैं इंटरफेस. इंटरफेस पे जो फिनोमिना होती है, दो प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, उसी को बोलते हैं इंटरफेस केमिस्ट्री. इंटरफेस केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, वो फिनोमिना प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो इंटरफेस पे होगा, किसी दो इमिसिबल या कॉन्टेक्टिंग फेजेस के इंटरफेस पे होगा, कॉमन फेस पे होता है, उसी को बोलते हैं इंटरफेस केमिस्ट्री. तो फर्स्ट इसमें आता है एडजॉर्प्शन. ठीक है, सो द टर्म एडजॉर्प्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सॉर्बे मीन्स टू सक इन. तो एडजॉर्प्शन वर्ड कहां से आया है, एक लैटिन वर्ड है सॉर्बी, वहां से आया है, जिसका मतलब होता है टू सक इन, किस चीज को सोखना बोलते हैं हिंदी में, टू सक इन. द टर्म एडजॉर्प्शन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय कैसर इन 1881. हाउएवर सिली इन 1773 डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन बाय द अपटेक ऑफ गैसेस ऑन चारकोल या बाय चारकोल. तो वैसे ये टर्म एडजॉर्प्शन सबसे पहले कैसर ने दिया था 1881 में, बट सिले ने, जिन्होंने क्लोरीन गैस की डिस्कवरी की थी, तो सिले ने 1773 में गैसेस को एडजॉर्ब किया था चारकोल पे. ठीक है, सो एडजॉर्प्शन एक लैटिन वर्ड है सॉर्बी, वहां से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है टू सक इन, इसलिए इसको एडजॉर्प्शन को हिंदी में बोलते हैं अधिशोषण. ठीक है ना, मतलब उसको सक करना. So basically adsorption is defined as the concentration of a substance at the interface between two immiscible phases. Immiscible मतलब जिनको हम आपस में mix नहीं कर सकते हैं, जिसको हम heterogeneous भी बोल सकते हैं, कि एक solid है दूसरा solid है but ये दोनों आपस में mix नहीं हो रहा है, तो हम इसको आसानी से distinguish कर सकते हैं. So concentration of a substance at the interface between two immiscible phases, maybe solid liquid, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड. माइंड इट, लिक्विड लिक्विड मिसबल भी होते हैं, होमोजेनियस भी होते हैं और हेट्रोजेनियस भी होते हैं और लिक्विड सॉलिड. सो बेसिकली एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना. अगर आपको कुछ भी डिफाइन करने नहीं आता है, जैसे सपोज, तो बस एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, एक वर्ड की डिफिनेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, सो ग्रेटर द लार्जर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी एडजॉर्प्शन. ठीक है, सो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, कि एक लैटिन वर्ड है सॉर्बी, उससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू सक इन. सबसे पहले इसको किसने दिया था, कैसर ने दिया था. डिफिनेशन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस. कोई भी दो इमिसिबल फेज ले तो उसके इंटरफेस पे जो फिनोमिना होगी, ठीक है, जो कंसंट्रेशन होगा, एग्रीगेशन होगा सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन. ठीक है, तो आगे एक डायग्राम आएगा, वहां से और भी आपको क्लियर जाएगा. ठीक है, सो यहाँ बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरफेस केमिस्ट्री या सरफेस केमिस्ट्री, मतलब वो फिनोमिना जो इंटरफेस पे होती है,
उसमें पहला टर्म है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब है डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सॉर्बी, जिसका मतलब होता है टू सक इन। सबसे पहले इसको कैसे ने दिया था, इसकी डिफिनेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस एट द इंटरफेस बिटवीन टू इनविजिबल फेजेस, इट इज ए सरफेस फिनोमेना, सो ग्रेटर द लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और इलोबरेट करें। एक टर्म आता है एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। ठीक है, अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एडजॉर्बेंट क्या है और एडजॉर्बेट क्या है, इसलिए हिंदी में इसको एडजॉर्बेंट इसको बोलते हैं अधिशोषक का मतलब कराने वाला, और एडजॉर्बेट को बोलते हैं अधिशोषित मतलब जो एडजॉर्ब हुआ। सो द सब्सटेंस ऑन व्हिच सरफेस एडजॉर्प्शन ऑकर्स, तो जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, एंड द सब्सटेंस एडजॉर्ब्ड फ्रॉम द बल्क फेज इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। क्लियर, तो जो जिसके सरफेस पे एडजॉर्ब एडजॉर्प्शन होगा दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट, अधिशोषक का कम इस कराने वाला हिंदी में बोलते हैं। सो जो एडजॉर्प्शन को कराएगा और जो एडजॉर्ब होगा, द सब्सटेंस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट, बेट। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया इज एडजॉर्ब बाय चारकोल, सो चारकोल ने क्या किया, अमोनिया को एडजॉर्ब किया। मतलब जैसे सपोज अगर हम यहाँ चारकोल मान लें तो अमोनिया क्या आएगा, इसके सरफेस पे जस्ट आके यहाँ पे चिपक जाएगा, यहाँ पे इसके सरफेस पे चिपक जाएगा, तो इसलिए अमोनिया क्या हो गया, एडजॉर्बेट। चारकोल ने क्या किया, अमोनिया को अपने सरफेस पे रहने के लिए परमिशन दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे चारकोल क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। तो चारकोल जो आपका एडजॉर्बेंट हो गया, अमोनिया जो आया वो एडजॉर्बेट। सो अमोनिया इज एडजॉर्ब बाय चारकोल, सो इन दिस केस चारकोल इज द एडजॉर्बेंट व्हाइल द अमोनिया इज एडजॉर्ब। सिमिलरली वाटर वेपर्स आर एडजॉर्ब बाय सिलिका जेल, तो सिलिका जेल क्या करता है, वाटर को एडजॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल आपने देखा होगा, कोई नई चीज पैकिंग आती है, बॉटल्स वगैरह, बैग वगैरह, तो उसके अंदर एक पुड़िया मिलती है, तो सिलिका जेल है, तो ये मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है वाटर को, जिससे फंगस वगैरह या फॉल स्मेल नहीं आता है। ठीक है, सो एडजॉर्बेंट मीन्स वह सब्सटेंस जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा, और एडजॉर्बेट का मतलब वो जो एडजॉर्ब होगा, जैसे अमोनिया इज एडजॉर्ब बाय चारकोल, तो सीधा सीधा अमोनिया यहाँ में क्या हो गया, एडजॉर्बेट, और चारकोल क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। चलिए और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, तो आप फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्बेंट्स, एडजॉर्बेंट्स क्या क्या होते हैं, तो मेटल्स जैसे पीटी, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल, कॉपर, मैग्नेट, कोलाइड्स, ये भी एज कोलाइड्स पॉजेस हाई सरफेस एरिया पर यूनिट मास ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, सो दे एक्ट एज ए गुड एडजॉर्बेंट, ये भी एडजॉर्बेंट होते हैं कोलाइड्स, एंड सिलिका जेल ये भी एक अच्छा गुड एडजॉर्बेंट है। तो एडजॉर्बेंट क्या होंगे, जनरली मेटल्स होंगे, कोलाइड्स होते हैं या सिलिका जेल होते हैं, और एडजॉर्बेट क्या होते हैं, तो वेरियस गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, एंड सॉल्यूशंस, सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशंस लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इन सॉल्यूशंस को भी हम एडजॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, सो एडजॉर्बेंट मींस जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्बेट मतलब जो एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्बेंट में क्या आएगा, जनरली मेटल्स आते हैं, कोलाइड्स आते हैं, सिलिका जेल आते हैं, और गैसेस जो होते हैं, वेरियस गैसेस और इवन सॉल्यूशंस, वो एडजॉर्बेट होते हैं। क्लियर, नाउ एडजॉर्प्शन कैन बी डिपिक्टेड एज फॉलोस, इसको और क्लियर समझने के लिए एडजॉर्प्शन होता है क्या, बस ये फिगर को दिमाग में रखिए, आप इसको डिफाइन कर दीजिए, लेकिन ये बाउंड्री दिखाया हुआ है, दिस इज एडजॉर्बेंट, और यहाँ में क्या है कि जो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेंट वो सिर्फ इसके सरफेस पे, रिटेन्स ओनली ऑन सरफेस, ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये जो दिखाया है, ये सरफेस पे रिटेन है, इसलिए ये एडजॉर्बेट यहाँ पे ये सरफेस पे रिटेन है। सो सिंस कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, हेंस दिस इज द केस ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ये किसका केस हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। ठीक है ना, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, सो रिटेन ओनली ऑन दिस सरफेस, अंदर नहीं जा रहा है, बल्क में नहीं जा रहा है, सिर्फ सरफेस पे रिटेन रह रहा है। ठीक है, सो इसलिए दिस इज द केस ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ठीक
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ऐसा क्या है एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जो किसी एडजॉर्बेंट को चिपका के रखता है। ठीक है, सपोज हमें किसी दो चीज को चिपकाना है तो हमें क्या लेना होगा, कुछ ना कुछ फेविकॉल लेंगे, फेविगम लेंगे, फेविक्विक लेंगे, या रबर बैंड लेंगे, या टेप लगा दीजिए। ठीक है, सो ऐसा क्या है रीजन फॉर द एडजॉर्प्शन कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पे ऐसा कुछ है जो किसी एडजॉर्बेंट को उसको होल्ड करके रख रहा है, चिपका के रखा है, पकड़ के रखा है। ठीक है, सो दिस फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन इज बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल फोर्सेज एट द सरफेस ऑफ द बॉडी या एडजॉर्बेंट। सो सीधा सीधा एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल फोर्सेज, वहां में कुछ ऐसे फोर्सेज हैं, रेजिडुअल मतलब बचा कुछ है जिसको बोलते हैं हिंदी में, सो रेजिडुअल फोर्सेज एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड्स दीज रेजिडुअल फोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अराउंड द मॉलिक्यूल्स एट सरफेस। तो लिक्विड के केस में ये कहां से आता है, सो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि ये केस ए जो है ये लिक्विड के लिए है। तो इन केस ऑफ लिक्विड दिस रेजिडुअल फोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अराउंड द सरफेस या मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे। जैसे सपोज एक मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे है, यहाँ अगर कोई मॉलिक्यूल हम सरफेस पे दिखा दें तो यहाँ देखिए इसके नीचे इधर में मॉलिक्यूल्स हैं, इधर में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इधर में मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स सरफेस में हैं उनमें क्या होगा कि एक आप सरफेस टेंशन में पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट में, तो उनमें क्या इनवर्ड पुल होता है। ठीक है, वो अंदर की तरफ एक खिंचाव महसूस करेगा, यहाँ में क्या होता है इनवर्ड पुल रहता है, ये अनबैलेंस फोर्स है। किस डायरेक्शन में, इनमें क्या है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है बट नीचे में मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसलिए इनमें क्या होता है कि एक रेजिडुअल फोर्सेज आता है जो उसको अपने सरफेस पे चिपका के रखता है। क्लियर, व्हाइल इन केस ऑफ सॉलिड्स दीज रेजिडुअल फोर्सेज अराइज आर due to presence of unsatisfied valence forces of atoms at the surface. So liquid में तो ये कहानी है, solid में क्या कहानी है, तो solid में क्या होता है कि आपको जैसे सपोज कि एक solid है, ये catalysis के phenomena को भी explain करने में helpful है। अब इसको अगर हमने यहाँ से जैसे सपोज तोड़ दिया, ठीक है, ये जो dot line आपको दिखा है यहाँ से तोड़ दिया, ये दो part में आ गया, देखिए यहाँ से इसकी valency free हो गई, यहाँ भी dotted line आ गया, यहाँ भी dotted line आ गया, यहाँ भी dotted line आ गया, ठीक है ना। इसलिए आपको कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव इन पाउडर फॉर्म, या सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है एडजॉर्प्शन बढ़ता है। क्योंकि देखिए अगर आप इसको काउंट करें यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से अगर हम इसको काउंट करें तो ये जो डैश दिखाया दिस इज नोन एज फ्री बैलेंसेज, और जब आप इसको तोड़ दिया तो नंबर ऑफ फ्री बैलेंसेज बढ़ गए, जब नंबर ऑफ फ्री बैलेंसेज बढ़ गया तो रेट ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक्स में भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, वहां में लिखा था सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ सॉलिड्स रेजिडुअल फोर्सेस कहां से आता है, सो नॉन अनसैटिस्फाइड बैलेंस फोर्सेस ऑफ एटम्स एट द सरफेस, एंड दीज आर क्रिएटेड व्हेन सम ऑफ द इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ द बिगर क्रिस्टल इनटू स्मॉलर यूनिट्स। इसको हमने यहां से तोड़ दिया, तोड़ देने से क्या होता है आपको देखिए बैलेंसेज होगी ना, ये इनकी अनसैटिस्फाइड बैलेंस हो गई है, जो आपको डैश ये दिखाया इसको क्रैक्स पिक्स, ठीक है, या आप फ्री बैलेंसेज भी बोलते हैं, इसको फ्री बैलेंसेज भी कहा जाता है कि अगर प्लेन है अगर हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो इसके अंदर क्या होगी रफनेस आएगी, रफनेस आने का मतलब हो गया कि वो अनसैटिस्फाइड बैलेंसी है, रेजिडुअल फोर्सेज आ गया तो वो उसको होल्ड करके रखता है। सो एडजॉर्प्शन क्यों होता है बेसिकली, सो एडजॉर्प्शन द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन इज बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल फोर्सेज और अनसैटिस्फाइड फोर्सेज एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। लिक्विड में क्या होता है ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, की सरफेस के नीचे सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको अंदर की तरफ खींचेंगे बट सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए वो सरफेस टेंशन इसलिए पलते हैं क्योंकि दे मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस विल एक्सपीरियंस एन इनवर्ड पुल, वो नीचे की तरफ एक फोर्स महसूस करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब ये वाला टेंशन ही, टेंशन मीन्स एक पुल, पुल मतलब फोर्स, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना टेंशन मीन्स फोर्स। ठीक है, सॉलिड के केस में क्या होता है कि जब हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उनकी फ्री बैलेंसेज अनसैटिस्फाइड बैलेंस फोर्स आता है सरफेस के ऊपर, वो उसको वहां से पकड़ के रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
आपको लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। देखिए व्हेन एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो एडसॉर्प्शन ऑन एडसॉर्बेंट सरफेस देन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, सो एडसॉर्प्शन होता क्या है, क्योंकि एडसॉर्बेंट के सरफेस पे क्या है, रेजिडुअल फोर्सेज है। अब उस रेजिडुअल फोर्सेस पे कोई अगर एडसॉर्ब मॉलिक्यूल आके चिपकेगा, एडसॉर्ब होगा, तो उसकी रेजिडुअल फोर्सेस क्या होंगी, कमती होंगी, मतलब घटेंगी, डिक्रीज होंगी। ठीक है, एंड दिस डिक्रीज इन दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, तुमसे उनकी सरफेस एनर्जी घटता है, विच अपीयर्स एज हीट। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, सो बस ये दो लाइन लिख देनी है। सो व्हेन एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो एडसॉर्प्शन ऑन एडसॉर्बेंट सरफेस देन देयर इज डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस, रेजिडुअल फोर्सेस घटेगा एंड दिस रेजिडुअल फोर्सेस कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो ये घटता है उससे उसकी सरफेस एनर्जी घटेगी, सरफेस एनर्जी घटेगा तो वही एनर्जी जो क्या होगा, हीट के फॉर्म में आएगा, क्योंकि हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। Thus, adsorption is exothermic in nature and thermodynamically exothermic को हम क्या लिखते हैं, delta H is negative. So first point thermodynamics में कि adsorption is an exothermic process means delta H is negative. Clear? ठीक है? Now, up due to adsorption of gas or liquid on the adsorbent surface, the disorderness or degree of freedom of movement of adsorbed molecules decreases. तो adsorption में हम क्या कर रहे हैं कि किसी गैस को या लिक्विड को किसी सॉलिड या किसी adsorbent के सरफेस पे लाके उसको चिपका रहे हैं। ठीक है, तो उसको लाके जब हम चिपका रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो उससे उसका क्या होगा, disorderness घटेगा, उसका movement घटेगा। ठीक है, degree of freedom जो होगा उसका, freedom of movement वो restricted होगा, कम होगा, तो एंट्रोपी क्या होगा, घटेगा। सो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। सो एंट्रोपी का मतलब है कि डिसऑर्डरनेस अगर ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, ऑर्डरनेस कम है, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। ठीक है ना, सो नो डाउट सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा लिक्विड, सबसे ज्यादा गैस। एक थर्मोडायनामिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए वीडियो लाएंगे तो हमें आपको मिलेगा। ठीक है, so adsorption is accompanied by decrease in entropy, so लो भाई delta H भी क्या हो गया, negative हो गया, exothermic है तो delta H भी negative हो गया। ठीक है, so अब यहाँ में problem ये है कि हम generally spontaneous के लिए क्या पढ़ते हैं कि delta H must be positive, या कोई अगर spontaneous reaction है तो उसके लिए delta H positive होना चाहिए। now from Gibbs free energy change delta G equal to delta H minus T into delta S, और spontaneous reaction के लिए delta G must be negative, ये भी कहानी है कि delta G must be negative thermodynamics के हिसाब से। अब यहाँ मैं देख, delta H हमारा क्या आ गया, minus आ गया, whatever the value, लेकिन exothermic होगा, minus formula का है T, और delta S भी क्या हो गया, minus हो गया, तब ये minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, माइनस, और एडसॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, तो डेल्टा एच तो माइनस है, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन टी इंटू डेल्टा एस, क्योंकि ये प्लस है तो मैथमेटिकली, ठीक है, अगर माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी प्लस वाले से तो वो साइन क्या हम लेंगे, माइनस। किसी से कोई माइनस 100 में अगर हम प्लस 60 ऐड करें तो ये वैल्यू कितना आएगा, प्लस 60 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू माइनस 40 आएगा, नेगेटिव आएगा, बट अगर वही 100 में माइनस 60 करेंगे तो प्लस 40 आएगा। ठीक है, सो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने की कंडीशन क्या है, कि डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी इनटू डेल्टा एस। ठीक है, सो बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे देगा, डेल्टा एस की वैल्यू दे देगा, पूछता है किस टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन में, सो इन ए नट सेल, इन ए समरी, एज ए समरी,
थर्मोडायनेमिक्स एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके लिए तीनों नेगेटिव है, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। तो सिंपली हमें बस ये याद रखना है, तो तीनों नेगेटिव, तीनों मतलब डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। भाई डेल्टा जी को तो नेगेटिव होना ही होना है क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, बट यहाँ में डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है क्योंकि हम पकड़ के लाके उसको चिपका रहे हैं, तो उसको ठीक है उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, उसका मूवमेंट घटेगा तो एंट्रोपी घटेगा, डिसऑर्डरनेस घटेगा तो उसकी एंट्रोपी घटेगी। ठीक है, और एक्सोथर्मिक है क्यों? देखिए एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। उसकी रीजन क्या है कि रेजिडुअल फोर्सेस मतलब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर अगर हम किसी एडजॉर्बेंट को लाके चिपका रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहा है तो उसका रेजिडुअल फोर्स घटेगा। रेजिडुअल फोर्स घटने से क्या होता है, उसकी सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है तो वही डिक्रीज हीट के फॉर्म में बाहर आता है, इसीलिए डेल्टा एच भी हमारा नेगेटिव होगा एडजॉर्प्शन के लिए। ठीक है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है एडजॉर्प्शन के लिए और डेल्टा जी को नेगेटिव होना है स्पॉन्टेनिटी के लिए। ये तभी पॉसिबल है इस इक्वेशन से कि जब डेल्टा एच की वैल्यू टी टू डेल्टा एस से ज्यादा हो। सो कंडीशन क्या होगी एडजॉर्प्शन की, डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी टू डेल्टा एस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का रोल है कि ये टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे ये रखना आपको वैल्यू देगा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कि डेल्टा एच डेल्टा एस, तो टी शुड बी क्या होना चाहिए, यहाँ से फॉर्मूल में रख देंगे डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी टू डेल्टा एस। तो उस टेम्परेचर पे वो फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू इससे ज्यादा हो। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, इसलिए आप पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करके रखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए तो क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो ये था एडजॉर्प्शन। सो नेक्स्ट एक फिनोमेना एब्जॉर्प्शन, देखिए डी की जगह बी, इसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषण, लेकिन अवशोषण उसको बोलते हैं अधिशोषण। तो अधि का मतलब जस्ट सरफेस पे आएगा वहां से, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का मतलब वो अंदर चला जाएगा। So absorption, so it is the phenomena in which the substance is not only retained on the surface but passes through the surface to become distributed throughout the body of a solid or liquid. ठीक है, so thus एक line की definition, absorption is a bulk phenomena while adsorption क्या था, एक surface phenomena। ठीक है, तो absorption का example जैसे वही ammonia जो चारकोल पे क्या हो रही थी, एडजॉर्ब हो रही थी। नाउ सेम अमोनिया इज एब्जॉर्ब बाय वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो उससे रिएक्ट किया तो एक नया कंपाउंड, नया सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, देखिए एनहाइड्रस होना चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, दोनों का रिएक्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम से देखिए एडजॉर्बेंट, ठीक है ना, एडजॉर्प्शन में क्या था, सरफेस पे था, यहां में क्या आपको अंदर चला गया। ठीक है, तो जो एडजॉर्बेंट है वो कहां में आ गया, अंदर में आ गए, बल्क में आ गए, बल्क में आ गया, तो इसको बोलते हैं दिस इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो दोनों में डिफरेंस पूछता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो एक लाइन में सीधा सीधा एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना व्हाइल एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना। एग्जाम्पल लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ पर क्लियर कट, अगर हम एडजॉर्प्शन को देखें तो एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन में क्या, देखिए एडजॉर्बेंट काम है आपको जस्ट रिटेन ओनली ऑन सरफेस, ये जो दिखा है ना ये सरफेस पे है, ये एडजॉर्ब, ठीक है, अंदर में नहीं है। बट एडजॉर्प्शन में क्या है, देखिए अंदर चला गया है। ठीक है, तो जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट है वो काम है अंदर में है, एडजॉर्बेट पेनिटेट इनसाइड द बल्क, वो अंदर में चले गए, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ एक टर्म है यहाँ पे सॉर्प्शन, ना तो एडी लगा ना तो एबी लगा, तो एक नॉन कमिटल टर्म सॉर्प्शन। सो द टर्म सॉर्प्शन वाज सजेस्टेड बाय मैकबेन इन 1909। इस टर्म को कौन डिफाइन किया था, सॉर्प्शन वाज डिफाइंड या सजेस्टेड बाय, फर्स्ट पॉइंट बाय, प्रपोज्ड बाय मैकबेन इन 1909, वेयर डाउट एग्जिस्ट एज टू वेदर ए प्रोसेस इज ट्रू एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन
A non-committal terms option is used to include both the process of adsorption and absorption. अब कुछ जगहों में ऐसा प्रॉब्लम था कि ठीक है कि पहले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, तो हमें ये लगता है कि दिस इज द केस ऑफ एडजॉर्प्शन, बट आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे उनका क्या होता है, पेनिट्रेशन शुरू होता है, वो अंदर जाने लगते हैं, बल्क में जाने लगते हैं. तो अब सरफेस पे आया तो भाई एडजॉर्प्शन हो गया, लेकिन बल्क में भी गया तो एब्जॉर्प्शन हो गया, तो हम उसको क्या मारेंगे. ठीक है, तो इसलिए आप वेयर डाउट एक चीज की, अगर डाउट है कि वो दिस इज द केस ऑफ टू एडजॉर्प्शन और दिस इज द केस ऑफ टू एब्जॉर्प्शन, तो ना ही मत वो एडजॉर्प्शन हुआ नहीं वो एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब जहां में दोनों हुआ. सो इसलिए एक नॉन कमिटल टर्म यूज करते हैं सॉर्प्शन. ठीक है, सॉर्प्शन. सो सॉर्प्शन इज डिफाइंड बाय, या व्हाट डू मीन बाय सॉर्प्शन. सो सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. सो सॉर्प्शन आपको डेफिनेशन पूछेगा, तो सॉर्प्शन द टर्म सॉर्प्शन वाज सजेस्टेड बाय मैकबेन in 1909. So it is defined as sorption is a process in which the adsorption and absorption both take place simultaneously, which includes both the process. ठीक है, so adsorption के साथ साथ absorption भी हो सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं. दोनों अलग अलग है मतलब सिर्फ सर्फेस पे है तो हम उसको adsorption बोलेंगे, बल्क में गया तो उसको हम absorption बोलेंगे, लेकिन जहां में दोनों है उसको क्या बोलेंगे, sorption बोलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल The taking up of gas by zeolite is an example of sorption. Zeolite is a safe selective catalyst. ठीक है, charcoal adsorbs as well as absorbs hydrogen gas. तो hydrogen gas को जब हम charcoal के surface पे लाते हैं तो वो पहले surface पे आता है, retain होता है, फिर कुछ देर बाद क्या होता है, concentration जब बढ़ेगा surface पे तो अंदर जाने लगता है. ठीक है, so अंदर जाएगा, bulk में जाएगा, तो वो कौन सा case हो गया, absorption का case हो गया. और सिर्फ सरफेस पे रहता है तो वो कौन सा केस, एडजॉर्प्शन का है. तो सॉर्प्शन में क्या दिखाया, दोनों में देखिए एडजॉर्बेंट. सो कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट ऑन द इंटरफेस हेंस एडजॉर्प्शन. तो यहाँ इंटरफेस में भी आ गया, मतलब दोनों डायग्राम को आप मिक्स कर दीजिए और वही एडजॉर्बेंट काम है अंदर में भी है. तो सो दिस इज द केस ऑफ सॉर्प्शन, क्लियर. ठीक है, एडजॉर्प्शन में देखिए, एडजॉर्प्शन में क्या था, सिर्फ अंदर था, एडजॉर्बेंट जो थे वो अंदर थे, बल्क में थे, तो एब्जॉर्प्शन हो गया. एडजॉर्प्शन में क्या था, रिटेन ओनली ऑन सरफेस. ठीक है ना, ये जो दिखा रहा है ये सरफेस पे है, सिर्फ ये एडजॉर्बेंट जो है ये सिर्फ सरफेस वाले हो गए. तो दिस इज द केस ऑफ एडजॉर्प्शन. बट सॉर्प्शन में क्या है, दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं. तो दोनों यहाँ पे एडजॉर्बेंट आपको अंदर में भी है और एज वेल एज सरफेस पे भी है. ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ सॉर्प्शन. तो सॉर्प्शन का मतलब क्या है, किसने इसको डिफाइन किया था, मैकबोन ने सजेस्ट किया था, डिफाइन किया था, प्रपोज किया था. सॉर्प्शन का मतलब क्या है, कि जहां में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. एक एग्जांपल तो टेकिंग अप ऑफ गैस बाय जियोलाइट या चारकोल एडजॉर्ब्स एज वेल एज एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस. अब यहाँ में कुछ टर्म्स और हैं, जैसे ऑकल्सन. सो द टर्म ऑकल्सन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई ग्राम In 1886, the sorption of gases by metals is known as occulsion. So, sorption of gases by metal, metal के surface पे अगर किसी gas का sorption होता है, तो उसको एक नया term दे दिया उन्होंने ग्राम ने, occulsion. तो ये भी class 12th में पूछता है occulsion क्या है, तो उससे भी दिमाग में नहीं आता है कि ये कौन सा topic है, किस chapter का है. ठीक है, चलिए positive and negative adsorption. So, positive का मतलब क्या होता है, generally greater than, negative मतलब less than. So if the concentration of a substance that is adsorbent is more at the interface, the absorption is called positive adsorption. So agar concentration jyada hai surface pe, interface pe adsorbent ke, to usko bolte hain positive, aur agar kam hai to usko bolte hain negative. So if the concentration of the adsorbent is less at interface, the adsorption is called negative adsorption. ठीक है, तो आप दो को कंपेयर करिए, अगर यहाँ में ज्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रहे हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव. यहाँ में अगर कम है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव. ठीक है, डीसॉर्प्शन. ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री में जहां भी डीई वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है, निकालना. ठीक है, मेनली ऑर्गेनिक पे पढ़ते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन.
तो हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड होगा, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलना, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन हैलोजन का निकलना, डिहैलोजिनेशन, डिकार्बोक्सीलेशन, वही चीज यहाँ पे डिसॉर्प्शन। सो इट इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, मीन्स रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। सो डिसॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, रिवर्स ऑफ द एडजॉर्प्शन, रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन का रिमूवल, एडजॉर्प्शन में क्या था कि किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल्स आके चिपकेगा, तो जैसे सपोज ये एडजॉर्बेंट हो गया, इसके सरफेस पे आके एकोमोडेट होना, इकट्ठा होना, चिपकना, एडजॉर्ब होना, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है कि इसको यहाँ से छोड़ के जाएगा, ठीक है ना, इसको यहाँ से छोड़ के जाना है, जैसे सिंपली चेक इन चेक आउट। ठीक है, सो बाहर जाते हैं हम तो बुकिंग करते हैं, चेक इन करते हैं होटल में, फिर चेकआउट करते हैं। तो चेक इन करने का मतलब एडजॉर्ब होना, अंदर जाना, चेकआउट मतलब उसको छोड़ के बाहर आना। सो डिसॉर्प्शन इज चेकआउट, एडजॉर्प्शन इज चेक इन, ठीक है ना। सो इट इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, मींस रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। कि चारकोल लिया, अमोनिया लिया, अमोनिया चारकोल के सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ, फिर उसको अमोनिया को हम वहां से इंडस्ट्री में हटा लेते हैं, ठीक है, वहां से रिमूव कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। ये कैटलिटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, सो द सरफेस एरिया पर ग्राम, ये न्यूमेरिकल के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, ऑफ द एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यहां में एरिया, ठीक है। सो द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, so the active adsorbent that is the good adsorbent हम किसको मानते हैं जिसमें have a very high specific surface area, ठीक है, क्योंकि specific surface area ज्यादा होगा तो obviously वो ज्यादा से ज्यादा adsorbent को adsorb करेगा, reactants को adsorb करेगा, तो obviously उसमें extent of adsorption ज्यादा होगा, ठीक है। तो अच्छा adsorbent हम किसको मानते हैं, active adsorbent किसको मानते हैं जिसका surface area, specific surface area ज्यादा हो, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जब वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं या कोलाइडल फॉर्म में आता है तो उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए एडजॉर्बेंट वो अच्छा मानते हैं, ठीक है। सो अकल्सन मतलब क्या था, सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय मेटल्स, तो अकल्सन पॉजिटिव मतलब अगर कंसंट्रेशन सरफेस पे इंटरफेस पे ज्यादा है तो पॉजिटिव बोलते हैं, अगर कम है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। डिसॉर्प्शन मतलब किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आके चिपकना और फिर उसको वहां से छोड़ के जाना, सो रिवर्स ऑफ द एडजॉर्प्शन दैट इज रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। कि जैसे हम कई बार घूमने जाते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, चेक इन करते हैं, फिर एक दो दिन घूमा फिरा, ऑफिशियल काम किया, फिर चेकआउट, ठीक है। सो आके चिपकना मतलब उसके सर्फेस पे आके एडजॉर्ब होना, दैट इज एडजॉर्प्शन, और उसको छोड़ के जाना, दैट इज डिसॉर्प्शन। तो ये वर्ड जनरली कैटेलिटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें ये वर्ड यूज करते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, तो पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट को जितना सरफेस एरिया आएगा दैट इज नोन एज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो ऑब्वियसली जिस एडजॉर्बेंट के लिए ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसको हम अच्छा एडजॉर्बेंट मानते हैं, ठीक है। चलिए अब दोनों में डिफरेंस, सो डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लियर। तो पीछे हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, डिफरेंस लिखना है तो फर्स्ट पहले डिफाइन कर दीजिए। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ओनली टेक्स प्लेस ऑन द इंटरफेस बिटवीन टू फेजेस एंड नॉट इन द बॉडी ऑफ एन एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। तो सिर्फ कहां में जाएगा, इंटरफेस पे, डिटेन ओनली ऑन द इंटरफेस सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, बल्क में नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। यहां में क्या था एडजॉर्प्शन, सो आप पीछे वाला भी लाइन यहां लिख सकते हैं डेफिनेशन, द सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एडजॉर्बेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन और ए कंपाउंड, ठीक है ना। सेकेंड, सो सीधा सीधा दिस इज ए सर्फेस फिनोमिना, दिस इज ए बल्क फिनोमिना,
थर्ड इन एडजॉर्प्शन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंस्टेंटेनियस, यहाँ में जो इक्विलिब्रियम होता है वो फास्ट होता है, जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन में ये थोड़ा स्लो होता है. सो इन दिस प्रोसेस या इन एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इज अटेंडेड वेरी स्लोली. ठीक है. फोर्थ इन बिगिनिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज फास्ट एंड डिक्रीजेस एज इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. ठीक है ना. तो शुरू में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन का रेट फास्ट होता है, बट जैसे जैसे वो सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करता जाता है उसकी फ्री वैलेंसीज कम होती जाएगी, कम होती जाएगी तो धीरे धीरे हटेगा. ठीक है. फॉर एब्जॉर्प्शन रेट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पहले फास्ट है बाद में स्लो होगा, ये थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहता है. ठीक है. द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर दिस प्रोसेस इज यूजुअली एज शोन बिलो, इस तरह का ग्राफ जाएगा. तो प्रेशर के साथ x by m, अभी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आगे डिटेल्स पढ़ेंगे, तो ये कर्व ऐसे आता है. वाइल फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए सीधा जाता है ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन का आइसोथर्म डायरेक्टली y इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन है, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इसके लिए आगे पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. तो ये इनिशियली जो क्या होता है, जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं बढ़ता है, बट कुछ देर बाद जाके वो फिर सैचुरेट हो जाता है. ठीक है. सो ये आपका था एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस. ये इंपॉर्टेंट है क्लास 12th स्टूडेंट के लिए भी, क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं दोनों में डिफरेंस. और वैसे भी जहाँ डिफरेंस क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि आपको एडजॉर्प्शन पूछेगा तो आप सिर्फ ये लिख दीजिए, एब्जॉर्प्शन पूछेगा तो ये लिख दीजिए. मैंने यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट आप इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे और डायग्राम बना देंगे. एडजॉर्प्शन क्या था, यहाँ डायग्राम बना दीजिए जो फिगर पीछे बनाया था. ठीक है. तो एक पॉइंट आप भले कम लिखें बट एग्जाम्पल जरूर लिखें. तो एक एग्जाम्पल पीछे लिखा हुआ है, अमोनिया इज एडजॉर्ब बाई चारकोल व्हाइल सेम अमोनिया इज एब्जॉर्ब बाई वाटर वेपर्स. ठीक है. वाटर वेपर्स एडजॉर्ब बाई सिलिका जेल व्हाइल वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब बाई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और डायग्राम बना दीजिए. ठीक है. सो कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हमें पढ़ना है रटना है. एडजॉर्प्शन मतलब सिर्फ रिटेन वाली ऑन सरफेस, एडजॉर्प्शन थ्रू आउट द बॉडी, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, एडजॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना. यहाँ में फास्ट होता है अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो यहाँ में ऑब्वियसली स्लो होगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ये है कि जो इधर में होगा उसका उल्टा इधर होगा. इसमें एडजॉर्प्शन में क्या होता है, बिगनिंग में थोड़ा फास्ट होता है, बट जैसे जैसे इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है वो रेट घटने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी भी उनकी फ्री बैलेंसेज हैं, ठीक है, वो क्या होती है, एडजॉर्ब होती जाती है. एडजॉर्ब होता जाएगा तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा तो धीरे धीरे रेट कम होता जाएगा, बट एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है, वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमें फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट एडजॉर्प्शन. ऐसा क्या क्या प्रोसेस फैक्टर्स हैं जिससे हम एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, मतलब बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. So these are the following factors which can affect the extent of adsorption. First, number one, nature of adsorbent and its state of subdivision. Obviously, by adsorption us depend करेगा nature of adsorbent और adsorbent दोनों पे. तो first यहाँ में nature of adsorbent. Since adsorption is a surface phenomena, so hence extent of adsorption depends on the surface area of the adsorbent. Clear? तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा. सो इसलिए ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है. और हम एडजॉर्बेंट को कंपेयर कैसे करेंगे, उसी के लिए टर्म एक पीछे पड़ा था, स्पेसिफिक सरफेस एरिया. ठीक है. सो ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट एडजॉर्ब फ्रॉम बल्क फेज. सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड इट सब डिविजन. सब डिविजन मतलब वही कि हम उसको डिवाइड करें, उसको टुकड़े टुकड़े करें, उसको पाउडर फॉर्म में ले. ठीक है. तो देखिए पाउडर फॉर्म में लेने से क्या होती है, फ्री वैलेंसीज बढ़ जाती है, नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज बढ़ जाएगा. तो इसलिए ये हमें कहते हैं कि कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव इन पाउडर फॉर्म, क्योंकि पाउडर फॉर्म में लेने से उसमें नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज बढ़ जाती है. सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा. ठीक है ना. फ्री वैलेंसेज को समझने के लिए वही जो पीछे मैंने लिया था कि आप उसको कर दीजिए तो नंबर ऑफ को काउंट कर सकते हैं, तो जब डिवाइड करते जाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री वैलेंसेज बढ़ता जाएगा. ठीक है. नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फॉर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. चलिए ऑब्वियसली जिसको एडजॉर्ब करना है उसके नेचर पे भी डिपेंड
करेगा कि वो चाहता है कि एडजॉर्ब होना कि नहीं चाहता है ना, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय सॉलिड एडजॉर्बेंट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। द गैसेज विच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी कैन लिक्विफाई मोर इजली एंड दस आर एडजॉर्ब मोर इजली। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। देखिए स्टेट ऑफ मैटर्स का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, उसको आसानी से, उसकी सॉल्विबिलिटी ज्यादा होती है और उसका एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। सो मोर इजिली देन दोज गैसेस विच डू नॉट लिक्विफाई इजिली, ठीक है ना। रीजन क्या है? सो क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी, इसका एक फॉर्मूला है। सो क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी इक्वल टू 8A बाई 27 RB, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है ये 27 RB। सो क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी इक्वल टू 8A डिवाइडेड बाई 27 RB। सो टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर, देखिए 8 इज कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांडरवाल कॉन्स्टेंट A, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, और 27 R गैस कॉन्स्टेंट B, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल B। इसको अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। सो क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन वांडरवाल कॉन्स्टेंट A एंड B। तो जिस गैस का वांडरवाल कॉन्स्टेंट A जितना ज्यादा होगा, और वांडरवाल कॉन्स्टेंट A इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम ये क्लास अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड में क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड में आएगा, इसीलिए हम उसको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कॉन्स्टेंट A, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर इज द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, और हायर या ग्रेटर विल बी एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेट्स ऑफ मैटर को भी कोरिलेट करता है और सरफेस केमिस्ट्री को भी कोरिलेट करता है, ठीक है ना। सो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस या एडजॉर्बेट, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, A की वैल्यू देगा, वैन डर वाल कॉन्स्टेंट की वैल्यू देगा, और आपसे पूछेगा किसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा या किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, या इस गैस का, किसी गैस का एडजॉर्प्शन अगर ज्यादा है तो इससे हमें क्या मतलब निकालेंगे, कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। सो 12th क्लास में क्वेश्चन आपको देता है कि इस गैस का, जैसे अमोनिया का एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है चारकोल पे इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा एक लाइन यहाँ से, ठीक है। तो गैसेज विच हैव हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, हमें नहीं याद है कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, बट ये लिख देंगे किसका क्रिटिकल टेम्परेचर इससे ज्यादा है। जब इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है, उसका लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगा, क्लियर, ठीक है। सो क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी इक्वल टू 8A अपॉन 27 R इनटू B, 8 कांस्टेंट, 27 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, A और B आर नोन एज वैन डर वाल कांस्टेंट। इसलिए जिस गैस के लिए A की वैल्यू ज्यादा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, क्लियर, ठीक है। थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए जहां भी हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो पहले हमें यह सोचना होगा कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। सो नो डाउट थर्मोडायनेमिक्स में पीछे पढ़ा कि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक आ गया मतलब इसका डेल्टा एच क्या लिखेंगे, डेल्टा एच इज निगेटिव, क्लियर, ठीक है, पीछे डिस्कस किया है, याद रखिए कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होगा। सो अकॉर्डिंग टू डीजीटी प्रिंसिपल द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, डीजीटी ने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जो एंडोथर्मिक हो। डीजीटी प्रिंसिपल का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। सो इसलिए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनसॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी यही कहते हैं, इनसॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, सॉल्यूशन चैप्टर,
ठीक है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एनर्जी एंड रेजिडुअल फोर्सेस। अब इसका रीजन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन क्यों घट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ में दो टर्म लिखा हुआ है, देखिए थर्मल एनर्जी और रेजिडुअल फोर्सेस। तो एडसॉर्प्शन का मतलब क्या था कि रेजिडुअल फोर्सेज हैं वहां पे जिससे वो आके चिपक रहा है, और थर्मल एनर्जी क्या होती है, थर्मल मतलब हीट। सो नो डाउट किसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की, बोलिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है, उनमें क्या होगा मोमेंट कम होगा, लिक्विड में थोड़ा और कम, गैसेज में सबसे कम। तो गैसेज मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो अब यहां में है कि अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे तो थर्मल मतलब हीट, तो वो क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सरफेस से बाहर जाएंगे, मतलब सरफेस पे क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सरफेस पे क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसलिए हम ये भी पढ़ते हैं कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालें कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो देयर विल बी लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, हेंस द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी लो और डिक्रीजेस, क्लियर, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो कम से कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो सरफेस पे चिपकेंगे, एडजॉर्ब होंगे, इसलिए कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, देखिए प्रेशर के साथ ये बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ ये घटेगा। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, मतलब बाकी तीनों फैक्टर को फिक्स कर दे, जैसे वही अमोनिया चारकोल लेंगे सेम टेम्परेचर पे, अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया एडसॉर्ब होगी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू लिचिटी प्रिंसिपल विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाते हैं तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहां में वॉल्यूम कम हो, ठीक है, क्योंकि अंडो होता है चेंज को, ठीक है। सो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम कम होने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे एवोगाड्रो लॉ से, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। सो सिंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसियस फेज डिक्रीजेस ड्यू टू एडसॉर्प्शन, हेंस द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद राइज इन टेंपरेचर, राइज इन प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कहां पे हैं, सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं ना, ठीक है। सो गैसियस फेज में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस ड्यू टू एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। जब जब एडजॉर्प्शन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है, मतलब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहां में प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, जिसको बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। तो जब वॉल्यूम घटेगा, स्पेस कम होगा, मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज आएंगे, तो उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो हम उसको एडजॉर्ब कर सकते हैं। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस की भी यही कहानी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और वाटर इंक्रीजेस। तो ऑलमोस्ट जो ये यहाँ में जितने फैक्टर्स पड़े हैं वो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस के लिए भी कॉमन है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा, जिस गैस के लिए वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसके लिए एडसॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा या लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करके रखिए, जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन कितने टाइप्स का होता है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, फर्स्ट फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजीसॉर्प्शन। सो व्हेन द फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड्स द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, द फिनोमेना इज नोन एज फिजिकल एडसॉर्प्शन, सीधा सीधा वर्ड है। तो फिजिकल मतलब फिजिकल फोर्सेस, व्हेन फिजिकल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडसॉर्प्शन,
जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अगर दो चीज है कि अगर हमें इसको इसके ऊपर चिपकाना है किसी चीज को, तो हम क्या करते हैं, फेविकॉल, फेविक्विक, फेविगम, रबर बैंड, टेप, कुछ भी यहां से लगाते हैं। तो वही एक अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस पे अगर कोई एडजॉर्बेंट आके चिपक रहा है तो यहाँ में कुछ ना कुछ फोर्सेस होना चाहिए। तो यहाँ में कौन सा फोर्स आएगा, फिजिकल फोर्सेस, मतलब एनी काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, सो व्हेन द फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड्स द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और एडजॉर्बेंट, द फिनोमेना इज नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। या फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल, क्या है, फिजिकल फोर्सेज। अब फिजिकल फोर्सेज में क्या आते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, एनी काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज, ठीक है, पोलराइजेशन। द फोर्सेज होल्डिंग गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट्स आर वेरी वीक। सो वी नो दैट कि ऑल काइंड्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या फिजिकल फोर्सेज जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं। किसके कंपेरिजन में, केमिकल बॉन्ड के कंपेरिजन में। Hence, the physical adsorption is characterized by low heat of adsorption. यहाँ में जो heat निकलता है, enthalpy change होता है, delta H, वो generally कम होता है। The example of Fijisorption, इनको physical adsorption, दोनों word को Fijisorption में लिखते हैं। Adsorption of gases on charcoal और adsorption of nitrogen on mica. ठीक है, तो ये physical adsorption. तो सीधा सीधा physical forces are responsible for adsorption. This phenomenon is known as physical adsorption. ये वीक हो इन नेचर, सो लेस अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, या इट इज कैरेक्टराइज बाय लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, एग्जांपल तो नाइट्रोजन का माइका पे या गैसेस का चारकोल पे। क्लियर, सेकेंड है केमिकल एडजॉर्प्शन, और दोनों वर्ड को जोड़ दिया कीमी सॉर्प्शन। ए स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड में अपीयर बिटवीन ए मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेंट एंड द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सरफेस केमिकल कंपाउंड। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। तरी केमिकल वर्ड आया, सो केमिकल का मतलब क्या है कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। सो ए केमिकल बॉन्ड में अपीयर बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन। या आप ये भी कह सकते हैं कि केमिकल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजॉर्प्शन। ठीक है, केमिकल फोर्सेस का मतलब जैसे कुछ मान लीजिए कि एक हमने यहाँ लिया और एक यहाँ लिया, दोनों के बीच में पिन लगा दिया, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ के है, ठीक है, बट इन दोनों से कोई चिपका नहीं है। ठीक है, सो केमिकल बॉन्ड जो भी होते हैं फिजिकल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो द फोर्सेज इन्वॉल्व आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, सो इट इज कैरेक्टराइज बाय हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हाई रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, हाई हीट कर लीजिए ज्यादा अच्छा, हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेक्स प्लेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमें टेम्परेचर चाहिए। एडजॉर्प्शन ऑफ O2 ऑन सरफेस ऑफ मेटल्स, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकिल, जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज करते हैं इंडस्ट्री में, इथाइल एल्कोहल ऑन निकिल। ठीक है, तो केमिकल फोर्सेज मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन नाम में ही है, स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हाई टेम्परेचर पे होगा। और सीधा एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑन निकिल, वहां में फिजिकल फोर्सेज वीक होते हैं, लो हीट होते हैं, एग्जाम्पल नाइट्रोजन ऑन माइका या गैसेज ऑन चारकोल। ठीक है, चलिए दोनों में डिफरेंस। सो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी वालों के लिए भी और 12th क्लास वालों के लिए भी। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है जब भी आप एग्जाम हॉल में जाए एग्जामिनेशन से पहले। तो इस चैप्टर में बाकी कुछ पढ़े या ना पढ़े इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑन केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस तो लिख दीजिए। फर्स्ट, नेचर ऑफ फोर्सेस, हीट इन्वॉल्व्स वीक फिजिकल फोर्सेस, केमिकल इट इन्वॉल्व्स वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस, नो प्रॉब्लम, ये तो वर्ड से ही है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ में क्या होता है, लो होता है क्योंकि ये वीक होते हैं, जनरली इसकी वैल्यू 20 से 40 किलो जूल, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलता है। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं मतलब 40 to 400। क्लियर, ये ऑकरेंस वीक है, लो हीट है, इसलिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा, एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये रिवर्सिबिलिटी, ये रिवर्सिबल है तो पता है कि ये इरिवर्सिबल होगा, है ना, तो ये लाइन का मतलब है, डिफरेंस का मतलब इसका उल्टा, क्योंकि यहाँ में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सरफेस कंपाउंड, इसलिए इरिवर्सिबल इन नेचर है, ये रिवर्सिबल इन नेचर है। फिजिकल एक्टिवेशन, यहाँ में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, सो इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्टिवेशन एनर्जी, या नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। यहाँ में हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड तभी बनता है जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एडजॉर्ब लेयर्स, मल्टी लेयर्स आर फॉर्म, मल्टी लेयर्स का मतलब ये कि ये एडजॉर्प्शन है,
तो इसमें क्या होता है कि इस तरह का मल्टी लेयर्स बनते हैं, मतलब एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये जस्ट लाइक इस तरह से, क्योंकि ये अट्रैक्शन है, फिजिकल फोर्सेज हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कहीं से भी ये चिपकेगा। इस तरह से मल्टी लेयर्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या है, मोनो लेयर्स आर फॉर्म। मोनो लेयर्स का मतलब वन से वन, इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये मोनो लेयर्स बनते हैं, यहाँ में क्या है मल्टी लेयर्स बनते हैं, ठीक है। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी इनकी, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, वाइल केमिकल एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि ये डिपेंड करता है केमिकल नेचर ऑफ बोथ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, क्योंकि बॉन्ड हमें बनाने के लिए एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन चाहिए, ठीक है ना। सो नॉट स्पेसिफिक इन नेचर मीन्स कि इट्स मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स मेनली ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड रफनेस एंड पोलर नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है। उतना स्पेसिफिक नहीं होता, बट केमिकल एडजॉर्प्शन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने के साथ ये बढ़ेगा। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से ये रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो घटता है। इसको इट इज अ जनरल फिनोमिना, सो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज अ जनरल फिनोमिना, बट केमिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट सो जनरल इन नेचर, क्योंकि ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है, इसलिए उतना जनरल नहीं होता। सरफेस एरिया, सो इट इन्वॉल्व्स कवरेज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, तो ये पूरे सरफेस एरिया को कवर करता है। बट केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होते हैं कि इट टेक्स प्लेस ओनली एट फिक्स्ड साइट्स व्हिच आर नोन एज एक्टिव सेंटर ऑफ द एडजॉर्बेंट, तो ये सिर्फ वहां में जाता है जहां में एक्टिव सेंटर होते हैं, फ्री वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। सो सरफेस एरिया फिजिकल एडजॉर्प्शन में पूरा का पूरा कवरेज करता है, इट इन्वॉल्व्स कवरेज ऑफ सरफेस एरिया, बट यहां में इट टेक्स प्लेस ओनली एट फिक्स्ड साइट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेंटर ऑफ द एडजॉर्बेंट, उसी पे ये आपको एडजॉर्ब। सो ये डिफरेंस था फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में। तो बीएससी वालों के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है, 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए एटलीस्ट आपको 7-8 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। नीचे एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट आप पीछे एग्जाम्पल डिस्कस किया है, आप यहाँ पे दोनों का एक एक एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन कर्व्स या एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, तो पीछे हमने फैक्टर्स पढ़ा, तो एक्स बाई एम इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, सो द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ एडजॉर्बेंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्लियर। सो दिस इज एक्स बाई एम, मैथमेटिकली एक्स बाई एम इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेयर एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन मास एम ऑफ एडजॉर्बेंट एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, दिस इक्वेशन वन इज नोन एज एडजॉर्प्शन कर्व, ठीक है। सो एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक्स का मतलब है कि मास अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन मास एम ऑफ एडजॉर्बेंट। जस्ट सपोज कि अभी ये कहें कि हमने 10 ग्राम चारकोल लिया, ठीक है। सो 10 ग्राम चारकोल में 2 ग्राम अमोनिया, जस्ट सपोज 10 ग्राम चारकोल लिया, इस पे 2 ग्राम अमोनिया यहाँ में एडजॉर्ब हो रही है, तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, 2 ग्राम, मतलब एक्स की जगह पे 2 हो गया, और मास ऑफ एडजॉर्बेंट क्या लेंगे, क्या एम की जगह पे 10 ग्राम, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना हो गया, 2/10, दैट इज 20%, है ना। उसी को यहाँ में लिखते हैं एक्स बाई एम। नाउ इफ टी इज केप्ट कॉन्स्टेंट, दैट इज द आइसोथर्म, आइसो में सेम थर्म मतलब टेम्परेचर, तो इस इक्वेशन को हम क्या ले सकते हैं, x by m that is extent of adsorption is a function of pressure only, so at constant temperature, ठीक है, when x by m is plotted against p, the curve obtained is known as adsorption isotherm, ठीक है। तो what do you mean by adsorption isotherm, so adsorption isotherm का मतलब ये लिख दीजिए, x by m is a function of pressure and temperature, आइसोथर्म की बात कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स बाय एम इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली, सो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ए ग्राफिकल कर्व व्हिच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एडजॉर्प्शन विद प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये मस्ट हमें लिखना है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है।
सो कोई ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन एक्सप्रेशन या कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर्व जो हमें क्या दे, वेरिएशन ऑफ एडजॉर्प्शन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो मिलने में हमें एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ही पढ़ना है, चाहे क्लास 12 की बात करें चाहे बीएससी वालों की बात करें। बट अगर कहीं मान लीजिए आपको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जगह आइसो बार वर्ड आ गया तो कहानी उल्टा हो गया। आइसो बार, आइसो माने सेम, बार मतलब प्रेशर, तो यहाँ में प्रेशर को कॉन्स्टेंट करेंगे, वेरिएशन ऑफ एडजॉर्प्शन विद टेम्परेचर लिख देंगे। ठीक है, अब वेरियस वेरियस इक्वेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स आर, तो तीन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं, फ्रूनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स एंड बीईटी, इसमें तीन साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ये क्लास 12th वालों के लिए है, क्लास 12th में सिर्फ हमें एक ही पढ़ना है फ्रूनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बीएससी वालों को दोनों पढ़ना है। ठीक है, ये यहाँ पे फिलहाल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस है बीटी, ये आपको पीजी में जाएंगे आप तब आपको मिलेगा, तो यहाँ पे ये हमें नहीं पढ़ना है बीटी फिलहाल। ठीक है, तो सिर्फ 12th वालों के लिए फ्रूनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से पूछता है बोर्ड में ज्यादा। ठीक है, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बीएससी वालों के लिए दोनों पढ़ना है, दोनों है, फ्रूनलिक भी है लैंगमुइर भी है, एंड देन बीटी आपको नेक्स्ट में मिलेगा, हायर क्लासेस एमएससी में मिलेगा। चलिए फर्स्ट हमें आते हैं फ्रूनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, सो फ्रूनलिक प्रपोज्ड एन एम्पिरिकल रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, उन्होंने एक इक्वेशन दिया फ्रूनलिक ने, ये एम्पिरिकल है मतलब देयर इज नो थ्योरेटिकल बेसिस, इसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। तो x / m इक्वल टू kp टू द पावर 1 / n, ठीक है, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स द लॉग x / m इक्वल टू लॉग k प्लस जो पावर होते हैं नीचे आते हैं 1 / n लॉग p। इक्वेशन नंबर 1, x क्या है वही जो पीछे आया, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, m क्या है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, p टेंपरेचर है, p प्रेशर है, k और m को बोलते हैं कांस्टेंट्स जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे और टेंपरेचर पे। ठीक है, सो दिस इक्वेशन 1 इज नोन एज फ्रूनलिक इक्वेशन ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रूनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो फ्रूनलिक ने एक एम्पिरिकल रिलेशन प्रपोज किया था, वो इक्वेशन क्या है, x / m इक्वल टू k p टू द पावर 1 / n, मतलब प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ेगा बट किस रेशियो में बढ़ेगा, क्या कर्व होगा, क्या इक्वेशन होगा, उसी के लिए उन्होंने यहाँ पे ये दिया। ठीक है, दोनों साइड का लॉग ले लिया, लॉग x / m इक्वल टू लॉग k प्लस 1 / n लॉग p, ठीक है ना, p प्रेशर है, x मास ऑफ एडजॉर्बेंट ऑन मास m ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब u में से स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन, k और n जो होता है कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है गैस के नेचर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग की गई, इन्होंने एम्पिरिकली तो प्रपोज कर दिया फ्रूनलिक ने, लेकिन इनकी टेस्टिंग की गई, तो टेस्टिंग का मतलब क्या है, क्या इसको लैब में टेस्ट किया गया। सो वैलिडिटी ऑफ फ्रूनलिक इक्वेशंस कैन बी टेस्टेड एज फॉलो, ये आपको इक्वेशन है फ्रूनलिक का, लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी, अब इसमें ग्राफ प्लॉट किया गया, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन है, y इक्वल टू ये सी प्लस एम एक्स, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली शोज दैट प्लॉट ऑफ लॉग x / m अगेंस्ट लॉग p, सो प्लॉट ऑफ लॉग x / m वर्सेस लॉग p कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन व्हिच स्लोप इज 1 / n, तो स्लोप का मतलब m, इससे कंपेयर करेंगे तो m की जगह पे क्या है 1 / n, इसका स्लोप कितना हो गया 1 / n और इंटरसेप्ट क्या हो गया log k, तो ये ग्राफ आपको दिखाया यहाँ पे, तो log p और log x / m में ग्राफ खींचा तो ये स्ट्रेट लाइन आता है लाइक दैट, इसलिए इसको पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करते हैं तो ये हो गया इंटरसेप्ट, सो इंटरसेप्ट कितना आ गया log k, और स्लोप कितना निकालेंगे, स्लोप हम जनरली निकालते हैं tan theta या b / a, तो स्लोप इक्वल टू tan theta इक्वल टू b / a इक्वल टू 1 / n और इंटरसेप्ट हो गया log k, यहां से हमें न्यूमेरिकल्स मिलता है। ठीक है, सो आपको थीटा दिया रहेगा 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो tan 30 tan 45 tan 60 ये वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा, तो वहां से हमें n की वैल्यू मिलेगा, आपको इंटरसेप्ट देगा तो k पूछेगा या k देगा तो इंटरसेप्ट नहीं देगा। ठीक है, फ्रूनलिक इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन एप्रोक्सिमेटली एंड द वैल्यू ऑफ 1 / n लाइज बिटवीन 0 एंड 1 फॉर बोथ फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ये भी एक क्वेश्चन है कि 1 / n की वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में आएगा,
ठीक है। सो फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन 1 बाय n इक्वल टू 0, देखिए x y n k p 1 बाय n की जगह पे क्या रख दिया 0, किसी नंबर के पावर 0 मतलब कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो यहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं बहुत सारा, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, 1 बाय n इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 रखेंगे तो p के पावर 1 मतलब kp मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे कहते हैं क्या, लो रेंज ऑफ प्रेशर। लो रेंज ऑफ प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्विकली बढ़ता है, थोड़ा फास्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो ये लो प्रेशर रेंज में है, बट आफ्टर सम टाइम बाद क्या होता है, प्रेशर से नहीं है कि प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा, वो इनिशियली बढ़ता है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है वो सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि जितने भी एक्टिव साइट्स होती है ना वो सब एडजॉर्ब हो जाती है, ठीक है, इंगेज हो जाते हैं, डिक्रीज खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता रहेगा, एक आफ्टर सम टाइम बाद क्या होता है वो सैचुरेट हो जाता है, इसलिए इस कर में आपको ये दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से सीधा जाना चाहिए डॉट डॉट, बट ये जाके ऐसे सैचुरेट हो जाता है, तो इस तरह का कर्व मतलब ये सैचुरेशन पीरियड में आ जाता है। तो रीजन वही है क्योंकि जितनी फ्री वैलेंसेज होती है ना वो जाके धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ऑक्यूपाई हो जाती है, ठीक है। सो हाई प्रेशर रेंज में क्या होता है, कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर रेंज। लो प्रेशर रेंज में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा हाई प्रेशर लो प्रेशर लाइक दैट। इंटरमीडिएट प्रेशर में क्या होता है, तो ये जो रेंज है इंटरमीडिएट प्रेशर का है, ये लो रेंज प्रेशर का है, और ये हाई रेंज प्रेशर का है, और ये इंटरमीडिएट प्रेशर का है, ठीक है। चलिए, लिमिटेशंस, द फ्रोनलिक इक्वेशन इज प्योरली एम्पिरिकल, देयर इज नो थ्योरेटिकल बेसिस, द कांस्टेंट्स के एंड एन आर नॉट टेंपरेचर डिपेंडेंट, कहने के लिए उन्होंने इसको कांस्टेंट कहा था, बट ये टेंपरेचर इंडिपेंडेंट नहीं थे, मतलब टेंपरेचर के साथ इनकी वैल्यू बदल जाती है फॉर द सेम गैस या एडजॉर्प्शन, ठीक है। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर ओनली, तो सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर में ये इक्वेशन वैलिड था, क्योंकि जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं कर बढ़ता है फिर वो जाके सैचुरेट हो जाता है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे ये इक्वेशन जो होता है वो फेल कर जाता है, एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। सो ये था आपका आज का वीडियो, जो सेशन आज में हमने पढ़ा सरफेस केमिस्ट्री एडजॉर्प्शन के लिए, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट एडजॉर्प्शन, फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, तो इसमें फिलहाल एक पढ़ा फ्रोनलिक, नेक्स्ट वीडियो में लैंगुलर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे, वो बीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेट गेट आईआईटी जेईई एग्जाम में पूछता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। देन ठीक है उसका एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन और देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स किस तरह से इसपे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो गो थ्रू दिस वीडियो फॉर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट के लिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी, थ्योरेटिकल भी, न्यूमेरिकल भी, एंड देन फिर लैंगुलर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स उसको डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी वालों के लिए, ठीक है ना। सो आपको नेट गेट आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस भी वहां से मिलते हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है, चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे, आपको मिल जाए, बेल आइकन को दबा के रखिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। सो कमेंट करना आप ना भूलें, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, या अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम पढ़ रहे हैं साथ में, पैरेलल केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, और इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो जो भी आपका टॉपिक है सिलेबस का, वो उसमें हर ईच एंड एवरी टॉपिक को यहाँ में हम कवर करेंगे, 100% आपका सिविलस सिलेबस को कवरेज मिलेगा, ठीक है, विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस को भी शॉर्टकट कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, इसलिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है, हैव ए नाइस डे।